गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्सडेड द टॉपिक ग्लोबलाइजेशन एंड मीनिंग तो ग्लोबलाइजेशन में मैंने आपको बताया ग्लोबलाइजेशन का मतलब हो गया इंटीग्रेशन रेपिड इंटीग्रेशन या वी कैन सी द इंटरकनेक्शन बिटवीन वेरियस कंट्रीज जब क्या होगा ग्लोबलाइजेशन में क्या होगा कि जब बहुत सारी कंपनीज़ uh, जो है एक दूसरे मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ की कंपनीज़ एक दूसरे के साथ ट्रेड uh, करेंगे ठीक है या कंट्रीज़ जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है उसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं ठीक है थीके? तो ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शनज होते हैं ठीक है थीके? मतलब एक मुल्क दूसरे मुल्क में चाहे गुड्स एंड सर्विसेज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता है या पीपल या टेक्नोलॉजी या इन्वेस्टमेंट्स जिसको हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं ठीक है थीके? तो ग्लोबलाइजेशन uh, एक वाइडर कन्सेप्ट है ठीक है तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब हो गया ट्रीट होल वर्ल्ड एज अ सिंगल मार्केट नाउ टुडेज टॉपिक इज व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच एनेबल ग्लोबलाइजेशन तो कौन से फैक्टर्स है विच आर रेस्पांसिबल फॉर ग्लोबलाइजेशन मतलब जिससे ग्लोबलाइजेशन uh, मतलब हो गया ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट आ गया कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर रेस्पांसबल फॉर ग्लोबलाइजेशन तो देर आर मेनली टू फैक्टर्स एक तो टेक्नोलॉजी है दूसरा लिबरलाइजेशन है तो टेक्नोलॉजी एंड लिबरलाइजेशन आर द टू मेन फैक्टर्स विच स्पीड अप ग्लोबलाइजेशन जिसने ग्लोबलाइजेशन को क्या किया स्पीड अप किया ठीक है तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे पहला जो पार्ट है हमारा जो टेक्नोलॉजी है हाउ टेक्नोलॉजी हेल्पस इन ग्लोबलाइजेशन या हाउ टेक्नोलॉजी एनेबल ग्लोबलाइजेशन तो इसमें क्या होता है तो पहला फैक्टर जो हम पढ़ेंगे इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी में जो इम्प्रूवमेंट हो गई ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में देखो टेक्नोलॉजी अब ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन मतलब हो गया विच हेल्पस आसिन ट्रांसफरिंग अप गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस देखो अगर ट्रांसपोटेशन नहीं होती तो बाहर से हमारे यहाँ कोई भी चीज़ नहीं आ सकती थी या यहाँ से हमारा जो माल वो बाहर नहीं जा सकता है ठीक है तो ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है ट्रांसपोर्टेशन हमें हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर दैट मीनस हम एक जगह से दूसरी जगह चीज़ तभी ले जा सकते हैं जब हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है ठीक है तो अगर हम ओवर फिफ्टी ईयर्स की लास्ट फिफ्टी ईयर्स की बात करेंगे बिफोर फिफ्टी ईयर्स ट्रांसपोर्टेशन का जो मतलब एक तो प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी सड़कें नहीं थी रोड्स नहीं थे ठीक है या हम कह सकते थे कि हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट था जैसे हॉर्स कार्ट्स थे ठीक है या हमारे पास कुछ ऐसा ट्रांसपोर्ट नहीं था कि जिससे हम मूवमेंट ऑफ गुड्स जल्दी कर सकते थे ठीक है तो विद द एडवासमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी जब टेक्नोलॉजी आ गई देखो हमारे पास आज अगर हम गुड्स को ले जाएंगे फ्रॉम वन कंट्री एंड अदर कंट्री तो हमें हमारे पास कंटेनर्स अवेलेबल है कंटेनर्स मतलब हो गए जिनमें हम चीज़ ले जा सकते हैं फ्राम वन प्लेस टू अनदर जैसे अगर हम बात करेंगे देखो बाइक्स आती हैं गाड़ियाँ आती हैं बाहर से यहाँ पर अगर हम कश्मीर की बात करेंगे दिल्ली से या गुड़गांव से जो बाइक्स या गाड़ियाँ बन के यहाँ आती है वो भी बहुत बड़ी गाड़ियाँ जो लंबी गाड़ियाँ होते हैं जिनको कंटेनर्स कहते हैं उनमें बंद करके आती है ठीक है तो इट इज़ विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी देखो शिप्स आ गई जिनका कंसेप्ट बिफोर फिफ्टी ईयर्स नहीं था रेलवेज आ गई प्लेनज आ गए या हमारे पास ट्रक्स अवेलेबल है तो दिस इज़ वाट वी कॉल्ड इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी तो ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी इज़ द फर्स्ट फैक्टर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पीड अप ग्लोबलाइजेशन ठीक है तो अब इससे क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी से क्या होता है फास्ट डिलीवरी एक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस एट लअर कॉस्ट इससे क्या आता है ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी से हमें क्या बेनिफिट मिला इससे हम किसी भी कंट्री में जाके माल डिलीवर कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस कोई भी देखो अगर, अगर हमारे पास ट्रेन अवेलेबल है हमारे रेलवे अवेलेबल है हमारे पास शिप्स अवेलेबल है हमारे पास एरोप्लेन अवेलेबल है ठीक है प्लेन अवेलेबल है हम यहाँ से फ़ॉरन किसी भी कंट्री में माल ला भी सकते हैं और ले भी ले जा भी सकते हैं ठीक है एक तो इसमें क्या है टाइम बहुत कम लगता है और दूसरा कास्ट भी बहुत कम लगता है ठीक है देखो अगर हम बाई रोड की बात करेंगे उसमें ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बहुत ज़्यादा लगता है अगर हम शिप्स और एयरप्लेन की बात करेंगे ठीक है उनमें टाइम भी कम लगता है और फास्ट डिलीवरी भी होती है तो दिस इज़ द फर्स्ट फैक्टर जिसको हम कहेंगे टेक्नोलॉजी ने ग्लोबलाइजेशन को एनेबल किया उसमें कैसे एनाबल किया इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी इसको हम कहते हैं ठीक है तो दिस इज़ द फर्स्ट फैक्टर